पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर कायराना हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पूरी तरह से बढ़ गया है। जब इसी हमले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया तो वो भावुक हो गए। आपको बता दें कि लखनऊ में मन की बात कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने जब सीएम योगी से आतंकवाद और कश्मीर समस्या पर सवाल पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और मंच पर ही रुमाल से अपनी आंखें पोंछते नजर आए। इससे पहले उन्होंने छात्रों से देरी से आने के लिए माफी भी मांगी थी क्योंकि उन्हें इस कार्यक्रम में 11 बजे पहुंचना था, लेकिन वो दोपहर 1:30 बजे वहां पहुंचे। युवाओं से संवाद के क्रम में बीटेक के छात्र आदित्य ने सीएम योगी से पुलवामा आतंकी हमले से जुड़ा सवाल पूछा और जानने की कोशिश की कि हमारी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही है। इसका जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह दिया बुझने से पहले उसकी लौ फड़फड़ाती है, उसी तरह आतंकवाद भी अब अपने समापन की ओर है और उसी वजह से आतंकी संगठन छटपटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने आतंकी संगठनों के खिलाफ व्यापक मुहिम छेड़ी हुई है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को भी अगले 48 घंटों में मार गिराया गया और शहीदों को याद करते हुए सीएम योगी भावुक हो गए। इसके साथ ही जब ये भी सवाल पूछा गया कि वोट क्यों दें, तो इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि युवा की ऊर्जा को सिर्फ भाजपा ही पहचान सकती है। सरकारी भर्तियां 2 लाख हुई हैं, एक भी भर्ती में घपला नहीं हुआ। पहले सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं था, अब हमने इस पर काम किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए।